हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग अच्छे होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज मोसंडे के बारे में बात करेंगे। विंटर में मोसंडे का किस तरह से केयर करना चाहिए, और सर्दियों में अगर आपके प्लांट में फ्लावरिंग हो रहा है तो उसका देखरेख आप और भी अच्छे से करें। मोसंडा तो ऐसे गर्मियों में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है, लेकिन सर्दियों में उसका डोरमेंसी का पीरियड होता है। सर्दियों में वो बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं करता है और उसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो पीला होकर गिरना शुरू हो जाती है और फ्लावरिंग तो बिल्कुल भी नहीं करता है प्लांट। लेकिन मेरा प्लांट गर्मियों के मौसम में अपना ग्रोथ कर रहा था, क्योंकि बहुत ही छोटा प्लांट हो गया था। पिछले सर्दी में ये डोरमेंसी में ऐसा गया था, ऐसे सॉकिंग में गया था कि ये रिकवर बहुत ही लेट से किया और प्लांट को बड़ा होने में काफ़ी टाइम लग गया। और ये सितंबर अक्टूबर से बर्ड्स बनाने लगा और नवंबर दिसंबर में फ्लावरिंग किया। अभी ये फ्लावरिंग तो किया, लेकिन इसके जो ऊपर के एरिया में येलो वाले फ्लावर्स आते हैं वो नहीं आ पाए, क्योंकि सर्दियां हैं और बस पत्तियां इसकी रेड हुई पंखुड़ियां। उसके बाद में ये प्लांट जो है वो फिर से डोरमेंसी में जाने लगा और इसके फ्लावर्स ख़राब होने लगे। तो सर्दियों के कारण ये अपना अच्छे से फ्लावरिंग नहीं कर पाया, लेकिन इस बार मैं इसका कंडीशन बिल्कुल ख़राब होने नहीं दूंगी, क्योंकि पिछली बार मैं इसे छोड़ दी थी ऐसे ही, ओस में ये रह गया था। और ये देखिए, इस तरह से इसके फ्लावर्स अभी गिरने लगे हैं। बिना फ्लावरिंग किए हुए ही ये गिरना स्टार्ट हो गया है। इसके जो ऊपर वाले नोड्स होते हैं इसमें पीला कलर के फ्लावर्स खिलता है और एक में भी फ्लावरिंग नहीं हुआ। बस ऐसे इस तरह से इसकी पंखुड़ियाँ रेड हो गया ऑरेंज शेप में, यहाँ पे रहता है बिल्कुल ऊपर। यहाँ पर देखिए, ऐसे तो ये सूख गया है, ये फ्लावरिंग होने के पहले ही सूख गया है, इसमें बर्ड्स बन ही रहे थे। तो सर्दियों में आप कोशिश करें कि इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र ना ऐड करें, क्योंकि जिस प्लांट का डोरमेंसी होता है सर्दियाँ, उसमें बिल्कुल भी आप फर्टिलाइज़र ना ऐड करें। ये देखिए, समय बर्ड्स बनने के बाद ही सूख गया है और पत्तियाँ भी येलो होने लगी है। और आप कोशिश करें कि इसे ऐसे जगह पे रखें जहाँ धूप तो लगे सुबह की या शाम की, लेकिन इसे ओस ना पड़े। जो कुहासे वगैरह अभी हो रहे हैं, फॉग वगैरह पड़ रहा है, वो ना मिले इन लोग को, क्योंकि ये प्लांट काफ़ी नाजुक प्लांट होता है और ओवर वाटरिंग से, ओवर फर्टिलाइज़र से और ओस पड़ने से बहुत ही जल्दी ये ख़राब होता है। जब ये पिछले बार डोरमेंसी में गया था तो मैं ऊपर के सारे जो ब्रांचेस थे मैं कट करती थी, केवल नीचे से 4 या 5 इंच बचे थे और मुझे नहीं लग रहा था कि ये प्लांट मेरा रिकवर कर पाएगा, लेकिन बहुत ही स्लो इसका ग्रोथ हुआ। उसके बाद में ये रिकवर कर लिया और जहाँ से आप लोग को तीनों ब्रांच दिख रहा है बस वहीं तक के एरिया था मेरे पास। और ये जो तीनों ब्रांच ऊपर का है वो ये गर्मियों में जब ग्रोथ हुआ तब हुआ है, पहले से 4 या 5 इंच ही बचा था। प्लांट्स ऐसे सॉकिंग में गया था कि रिकवर कर पाना बहुत ही मुश्किल लग रहा था, लेकिन मैंने जब देखा कि ऊपर के एरिया से प्लांट सूखना स्टार्ट हो गया है तो मैं कट करना नहीं भूली। और कट करने के बाद मैं ऊपर के एरिया पे जो हल्दी पाउडर होता है उसका लिक्विड बनाकर, हल्का सा पानी डाल के उसका घोल बनाकर और ऊपर पेस्ट के जैसा लगा दी थी। उसके बाद प्लांट मेरा थोड़ा सा ठीक हुआ और फिर मैं प्लांट को गर्मियों के मौसम में अच्छे से फर्टिलाइज़र दी और प्लांट थोड़ा सा रिकवर किया और धीरे धीरे बहुत ही स्लो इसका ग्रोथ हुआ। और ये गर्मियों में बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं किया था और सर्दियों में ये अच्छी फ्लावरिंग करना शुरू किया। और अब देखिए, अब तो इसका डोरमेंसी का पीरियड आ गया है, फिर से ये डोरमेंसी में चला जाएगा। लेकिन आप कोशिश करें कि मोसंडे के प्लांट को सर्दियों के मौसम में ओस के जगह पे बिल्कुल ना रखें और जहाँ धूप लगे वहाँ रखें, लेकिन रात में ओस ना पड़े। अगर पॉसिबल है तो आप डेली इसे धूप में रखें और रात में हटा दें। अगर पॉसिबल नहीं है तो आप उस एरिया पे रखें, दीवार के सहारे रखें, जहाँ से ऊपर से इसे ओस तो ना पड़े लेकिन दिन के धूप ज़रूर लगे, क्योंकि बिना धूप के प्लांट्स अच्छे से बिल्कुल भी नहीं रह पाएगा। और 2-3 मंथ जो विंटर होता है इसे उससे बचाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, गर्मियों के मौसम में तो इसका केयर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, बस हाँ बारिश से बचाएं इस प्लांट को। बहुत ज़्यादा इसके पॉट में वाटर ना रहे, इसका पूरा ख्याल रखें।
लेकिन सर्दियों के मौसम में बहुत ज़्यादा इसका केयर करें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये नाजुक प्लांट माना जाता है। बहुत ही जल्दी डोरमेंसी में चला जाता है, बहुत ही जल्दी ये प्लांट डैमेज हो जाता है। मैं दूसरी बार इस प्लांट को अपने गार्डन में ऐड की हूँ। फर्स्ट टाइम इसके जो वाइट वाले कलर होते हैं वो मैंने लाया था, लेकिन बहुत ही जल्द वो ख़राब हो गया था। ओवर वाटरिंग के वजह से वो ख़राब हुआ था, और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि इस प्लांट को ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और वो बारिश के मौसम में ही लाई थी मैं, और उसी वक्त मैं रिपोर्ट कर दी थी। और ऐसे भी बारिश के मौसम में प्लांट को रिपोर्ट नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक, नए जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने बगिया का ख्याल रखें। जय माता दी फ्रेंड्स।